वक्त कम मुकाबला सख्त। ईद उल अजहा पर कुर्बानी का जानवर खरीदने के मिशन का फाइनल राउंड जारी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर, खरीदारों को मुनासिब कीमत पर जानवर दरकार। मोल भाव और बहसों तकरार जारी। कुछ को रात तक मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें कम होने का इंतजार। जानवरों की आलाइशें नहरों नालों में फेंकने पर पाबंदी। पंजाब में दफा 144 नाफिज कर दी गई। सिरीपाए भुनने के गैर कानूनी कारोबार पर भी पाबंदी आई। वजीर अला पंजाब मरियम नवाज की जरे सदारत इजलास हुआ। ईद के इंतजाम और सिक्योरिटी का जायजा लिया। ईद पर छुरियां और चाकू तेज करने वालों का कारोबार भी चमक उठा। शहर में छुरियों और बुगतों की फरोख्त में तेजी। बारबेक्यू बल्क प्लान ने अंगेठियों और कोयले के दाम बढ़ा दिए। शहरियों का कहना है ईद से कबल दुकानदारों ने दाम भी तेज कर रखे हैं। ईद का मजा तो अपनों के साथ है। ईद घर वालों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। ट्रांसपोर्टर्स मनमानी किराए वसूल करने लगे। शहरी जायद किराया देकर सफर करने पर मजबूर। सफारी पार्क लाहौर में बड़ी ईद पर बड़े इंतजाम। नाइट लाइन सफारी का आगाज ईद के पहले रोज से होगा। बच्चों की टिकट 500, बड़ों की 1000 रुपए मुकर्रर। शहरी शेरों को गोश्त भी खिला सकेंगे। ईद पर चिड़ियाघर को भी महदूद पैमाने पर खोल दिया जाएगा। वजीर बल्दियात जशान रफीक का LWMC कंट्रोल रूम का दौरा। CO बाबर साहब दीन की सफाई प्लानिंग पर ब्रीफिंग। जशान रफीक का कंटोनमेंट एरियाज को भी सफाई प्लान में शामिल करने का हुक्म। लोकल गवर्नमेंट कंट्रोल रूम में भी इंतजाम का जायजा लिया। ईद पर ग्रैंड सफाई ऑपरेशन। LWMC के इंतजाम मुकम्मल। लाइफ मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। CEO बाबर साहब दीन का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सफाई इंतजाम का जायजा लिया। शहरियों में 14 लाख माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स तकसीम किए। व्यापारियों और खरीदारों को मयारी खुराक की फराहमी का मिशन। फूड सेफ्टी टीमों की मवेशी मंडियों गिरदोनवाह में 411 फूड पॉइंट्स और होटल्स की चेकिंग। 6 को जुर्माने। 135 लीटर एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक्स और ममनुआ अशिया तल्ब कर दी। ईद से कबल महंगाई अरूज पर। गिरा फरोश माफिया बेलगाम हो चुकी। सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम। अदरक 800, लहसुन 360, प्याज 150 और टमाटर 120 रुपए किलो। सेब 320, आम 170 और फालसा 220 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। ब्रायलर गोश्त सस्ता होकर भी गरीब की पहुंच से दूर। मुर्गी का गोश्त 15 रुपए सस्ता 494 रुपए किलो हो गया। अंडों की फी दर्जन कीमत 240 रुपए पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 7,260 रुपए में दस्तयाब है। ईद उल अजहा पर अमनो अमान के लिए लाहौर पुलिस मुतहरिक। सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। 6 SPs और 22 STPO समेत 6,000 अहलकार तैनात होंगे। मसाजिद और ईदगाहों के बाहर मेटल डिटेक्टर्स और वॉक थ्रू गेट्स लगाए जाएंगे। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का ईद उल अजहा का ट्रैफिक प्लान जारी। 11 DSP समेत 2600 वार्डन्स ड्यूटी पर तैनात होंगे। मसाजिद, खुले इज्तमात, ईदगाहों और पार्क्स के बाहर इजाफी नफरी तैनात होगी। वन व्हीलर्स और हुल्लड़बाजी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इंतखाबात के जाली नतायज, सियासी बहरान की शैतानी जड़ है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का वज़ीर आज़म के खिताब पर रद्द अमल। कहा, हुकूमत के खिलाफ अवामी मज़ाहमत का वक्त करीब आ रहा है। खिताब अवाम के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की मुलाकात। डॉक्टर शाहिद मुनीर ने गवर्नर को कमीशन की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। गवर्नर ने कहा, बतौर चांसलर यूनिवर्सिटीज में मयारी तालीम और तहकीक को बेहतर बनाना तरजीह है। सूरज की तेज किरणों से शहर के दर्जा हरारत में इजाफा। पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। ईद पर मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। PDMA ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। 18 से 22 जून के दौरान बारिशों का इम्कान।
लाहौर समेत पंजाब में खसरा केसेस में कमी आना शुरू। शहर में सिर्फ 47 नए केस रिपोर्ट। 24 घंटे में पंजाब में 219 मुश्तबा केसेस सामने आए। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा, पंजाब भर में वैक्सीनेशन मुहिम तेज करती है। तकनीकी खराबियों और मुरम्मती काम से लेस्को का तरसीली निजाम मुतासिर। 2169 फिल्टर्स में से 15 पर लोड शेडिंग, 4 से 5 घंटे बिजली बंद रहने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। फिल्टर्स में वाहगा, आदो के ऐवान, सगिया पुल और काला खदाई रोड शामिल। शेराकोट में नींद से भरपूर बस ड्राइवर ने बाप बेटे की ईद खराब कर दी। ड्राइवर ने बस मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ा दी। 8 साला बेटा बिलाल और बाप आफ्ताब की टांगें मौके पर ही टूट गईं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए अहसन इकदाम। आईजी पंजाब ने मजीद 20,50,000 रुपए जारी कर दिए। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना की बेहतरीन हेल्थ वेलफेयर अव्वलीन तरजीह है, मजीद तआवुन जारी रहेगा। लाहौर पुलिस के शहदा को खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रफीक की बरसी पर पुलिस दस्ते की शहीद की कब्र पर हाजिरी, सलामी पेश की, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। मोहम्मद रफीक ने 2014 में जाम शहादत नोश किया था। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट बिछड़ों को अपनों से मिलाने में पेश। इगवा बराए तवान सेल की कार्रवाई, 4 बच्चों को ट्रेस करके बाहिफाजत लवाहिकीन के सपोर्ट कर दिया। DIG इमरान किश्वर ने DSP अंजुम तौकीर और टीम को तारीफी सर्टिफिकेट दिए। गिरजाघरों में मसीही इबादती दुआया प्रोग्राम। शहर के गिरजाघरों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पुलिस के 1,000 के करीब अफसरान और एहलकार तैनात। शहर के दाखिल और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग। हसास गिरजाघरों पर स्नाइपर्स भी तैनात। SP अवैस शफीक का कैंट डिवीजन के हसास गिरजाघरों का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। गिरजाघरों की छतों पर मामूर अहलकारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। कहा, मशकूक अफराद सामान एतराफ़ की नकलो हरकत पर कड़ी नज़र रखें। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वालिद से मोहब्बत का दिन मनाया जा रहा है। आज बच्चों की परवरिश और रहनुमाई में वालिद के अनमोल किरदार को तस्लीम करने का दिन है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ का फादर्स डे पर पैगाम। कहा, आज बाप की कुर्बानियों को तस्लीम करने का दिन है। शफीक बाप सायादार शजर की मानिंद है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है।